We were 20 kilometers inside enemy terrain from LOC. We used to run out of ammunition almost every day. Every day. Har roz. Hamari goliyan bhi khatam ho jati thi aur hamare food reserves bhi khatam ho jate the. 20 kilometer enemy terrain ke andar hona, mountainous terrain ke andar. कोई मजाक की बात नहीं थी। हर रोज वापस जाना, एमिनेशन लेके फिर वापस आना, 40 से 50 किलोमीटर का ये वाया बनता था। और कई बार क्योंकि हमारी तादाद बहुत ही कम थी, तो कई बार हम लड़ाई में इतने इंगेज होते थे कि हम वापस जा नहीं सकते थे। तो फिर हमारी सोर्स एमिनेशन की इंडियन आर्मी थी। और आप बड़े आराम से ये कह सकते हैं कि 70% हमारी एमिनेशन और फूड स्टॉक्स की सोर्स जो थी वो इंडियन आर्मी के कैंप्स थे। हम वहाँ हमला करके इनकी एमिनेशन लेके आते थे। और अब इसके अंदर जब हम जाते थे इनकी पोस्ट पे, तो वहाँ जो संतरी और वो बैठे होते थे, साफ जाहिर है कि गोलियाँ उठानी हैं, ग्रेनेड्स उठाने हैं, तो वो जो संतरी वगैरह उधर मौजूद होते थे उनको फिर वासिल करना पड़ता था। ये सप्लाई लाइन्स को मेनटेन करना मेरा काम था। एंड न्यूमरस पोस्ट, न्यूमरस अटैक्स हमने किए, और हमने इनके हर तकरीबन हर यूनिट, राजपुताना, मद्रास, नागा, ग्रेनेडियर्स, हर किसी के कैंप से हम जाके एमिनेशन लेके आए। आप कह लें कि मुझे जो याद पड़ता है कि तकरीबन 50,000 गोलियां, 20,000 ग्रेनेड और अनलिमिटेड राशन स्टॉक्स, ये तो सिर्फ मैंने वहां से लेके आया, और मेरे अलावा भी हमारे बंदे ये कर रहे थे। एक वक्त ऐसा आया कि इंडियन आर्मी में इतना खौफ तारी हो गया कि वो रात को सोने से पहले अपने बुलेट्स, अपनी एमिनेशन और फूड स्टॉक्स अपने टेंट्स के बाहर रख देते थे, और जैसे ही उनको मूवमेंट की आवाज़ आती थी तो वो अंदर से आवाज़ें लगाते थे कि खुदा के वास्ते जो चीज़ लेके जानी है ले जाओ, हमें मारना मत। अ रिक्वेस्ट वी मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्रीड अपॉन। दरमियान में इन्होंने मशहूर कर दिया कि गोस्ट डरता है इसलिए रात को आता है। मैंने ये अटैक्स दिन में भी करना शुरू कर दिए और नागा 2 रेजिमेंट के बेस कैंप की तरफ बढ़ा। वो लोग शायद खाने की तैयारी कर रहे थे, और वो तकरीबन 70-75 लोग थे। कई उनमें से बैठे हुए थे, कई उनमें से खाना बना रहे थे, कई इधर मूवमेंट कर रहे थे। जब हम वहाँ अपेयर हुए, हम कैजुअली उनकी तरफ बढ़ना शुरू हुए, हम 6 लोग थे सिर्फ, तो उनके ऊपर जैसे सत्ता और हू का आलम जैसे होता है वो हो गया। उनकी कोई मूवमेंट नहीं हुई, जो बैठा था वो बैठा रह गया, जो खड़ा था जो खड़ा रह गया, जिसने हाथ में प्लेट पकड़ी हुई थी वो वैसे का वैसा ही साकेत, जैसे स्टैचूज होते हैं वैसे बन गए। हम जब बिल्कुल उनसे करीब आ गए तो आई टू आई कॉन्टैक्ट, ये साइलेंस तकरीबन 10 से 15 सेकेंड तक रहा। वो हमें देख रहे हैं, हम उनको देख रहे हैं। खैर, मैंने आगे बढ़ के उनको बोला कि हाँ भाई शहजादे, क्या हाल है, क्या बना रहे हो। सब ने अपनी वेपन्स फेंक दी और हाथ खड़े कर दिए और रोना शुरू हो गए। और लिटरली ये नागा 2 के लोग बाद में इन्होंने कोर्ट मार्शल किए हैं, आप इनसे जाके पूछ सकते हैं। लिटरली वो पैरों में गिर गए। द हेड हंटर्स ने अपने हेड जमीन पे लगा दिए कि आप हमें मारे ना, आपने जो लेके जाना है आप ले जाएं, आप हमें मारे ना। चाय पी उनके पास बैठे रहे। हमने उनको बोला सारा सामान, पानी, स्टॉक, फूड, एमिनेशन, ये सारी, ये 4-5 खच्चर उनके खड़े थे। हमने कहा इनके ऊपर आप लोड करें। उन्होंने अपना टाइम लेके उनको लोड किया, और हमने उनको खुदाफिस किया शुक्रिया के साथ, और उनको बोला आप यहाँ से नीचे चले गए। वो सारे के सारे नीचे चले गए। वी डिड नॉट किल एनी वन ऑफ देम। ये बाद में पता चला कि इंडियन आर्मी ने उनमें से कई लोगों को, कई ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल कर दिया। इसी तरह एक दिन हम किसी और मिशन पे जा रहे थे कि हमें पीछे से हमारा जो बंदा पीछे आ रहा था उसने कॉल साइन दिया रुकने का। हम रुक गए तो पता चला कि इंडियन आर्मी की सप्लाई की 3 गाड़ियाँ वहाँ से गुजर रही थी। हमने तो उनको नहीं देखा, लेकिन उनने हमको देख लिया। और जब उन्होंने हमें देखा तो वो गाड़ियाँ छोड़ के वहाँ से भाग गए। तो हमारा जो बंदा पीछे आ रहा था उसने हमें रोका कि वो भाग गए हैं। तो फिर हमने जाके उन गाड़ियों को रिसीव किया, 3 फुली लोडेड व्हीकल्स ऑफ एमिनेशन। वल्लाह इंडियन आर्मी हैड बीन वेरी जनरस इन सप्लाइंग अस विद एमिनेशन, ऑल सॉर्ट ऑफ एमिनेशन एंड फूड स्टॉक्स। मुझे कभी मौका मिला दिल्ली जाने का और इनसे मिलने का, तो मैं ज़रूर जाके पर्सनली भी इनका शुक्रिया अदा करूँगा। अगर ये अपने ही आदमियों को मारने के लिए हमारी इस तरीके से मदद ना करते जिस तरह इन्होंने की, हमें एमिनेशन दे के और फूड स्टॉक दे के, तो शायद हम इनके इतने आदमी ना मार सकते।
मैं खास तौर पे तहे दिल से इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब मैं आता हूँ ब्रिगेडियर देविंदर सिंह की तरफ, जिन्हें किशन पाल ने कोर्ट मार्शल किया और ये बड़ा केस चलता रहा। मेरे ख्याल में वो केस अब उन्होंने जीत भी लिया, आई डोंट नो। लेकिन हुआ ये था कि मैं अपने नॉर्मल रूटीन हंट्स के ऊपर था और मैं उनकी बेस के अंदर गया तो मैंने देखा वो सोए पड़े थे। जब वो सोए हुए थे तो मैंने आराम से उनकी वेपन उठाई, उनका वॉलेट उठाया और उनकी जो यूनिफॉर्म था, एक फुल इस्त्री हुआ हुआ यूनिफॉर्म लटका हुआ था, वो और बाकी सारी चीज़ें जो एम्यूनिशन वगैरह हम वहाँ से लेते थे, हम वहाँ से लेके वापस आ गए। ये ऐसा मिशन नहीं था कि उन लोगों को पता नहीं था। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम बेस के अंदर एंटर होते थे तो जो इंडियन आर्मी जो कुछ कर रहा था वो सारी चीज़ें छोड़ के गन्स फेंक के खड़ा हो जाता था। तो इस बार भी ऐसे ही हुआ, लेकिन देविंदर सिंह साहब सोते रह गए। बाद में शायद इनका कोर्ट मार्शल इसी चीज़ पे हुआ कि ये शायद सोए नहीं हुए थे और इन्होंने प्रटेंड किया। एनीवेज विल नॉट गेट इनटू दिस। बार बार ये हमें रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारे जो पर्सनल आर्टिकल्स हैं, या एक पर्सनल वेपन थी उनकी, उनका वॉलेट था, उनकी यूनिफॉर्म था, ये हमें वापस किया जाए। वॉलेट हमने भेज दिया, गन मेरे पास रिटेन्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और जो यूनिफॉर्म था उसका मैं हाल आपको बताता हूँ। हमने वो यूनिफॉर्म ला के अपनी बेस के बाहर जो विजिबल एरिया था उसके अंदर उसको लटका दिया, और जो इंडियन आर्मी के स्नाइपर थे वो उसको गोलियां मारते रहते थे। दे वांटेड टू डैमेज द यूनिफॉर्म। उनको ये बड़ा हिट हुई थी क्योंकि नीचे थे जब इनके जनरल जो जोशी हैं उनका विजिट हुआ। खैर उस विजिट का मुझे पता नहीं चला कि वो कब हुआ, बाद में मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन आई। अगर मुझे उस वक्त पता होता तो मैं जनरल जोशी से भी ज़रूर मिल के आता। बस ना पूछे, इन्होंने इतनी गोलियां स्नाइपर शॉट्स उस यूनिफॉर्म पे मारे, वो हवा में ऐसे हिलता था फिर वापस आ जाता था, कि हम इनको ऊपर से आवाज़ें लगाने पे मजबूर हो गए कि पागलो तुम्हारा ब्रिगेडियर है, इसको गोलियां मत मारो। अब 22 साल के बाद इनको कारगिल पे फिल्में बनाना और ये प्रोपागेंडा करना इनको याद आ गया है। आप इनसे ये पूछें कि इनकी 127 पोस्टें कारगिल के अंदर थी, इनके पास कितनी पोस्टें हैं अभी? उन पोस्टों की बात करूं जो इनकी पोस्टें थी 127, ये बताएं जरा अपनी आवाम को कि इनके पास कितनी पोस्टें हैं। 10 से 12 इनकी टोटल पोस्टें हैं जो इनके पास हैं, जिनके ऊपर ये अब मौजूद हैं। 100 से ज्यादा पोस्टें इन्होंने अभी तक 22 साल गुजरने के बावजूद ये वहां नहीं गए, खाली पड़ी हैं, हमारे सामने खाली पड़ी हैं। नन ऑफ देयर यूनिट इज रेडी टू गो एंड ऑक्यूपाई दोस पोस्ट जो इनकी साइट के ऊपर है। 5140 के ऊपर जो ये तस्वीर दिखाते हैं, मशीन गन है और ये पीछे इनके 4-5 सोल्जर्स खड़े हैं, 5140 हमारी फायरिंग पोस्ट थी। और मेरे ख्याल में 5140 ने जितने इनके बंदे मारे हैं पोस्ट ने, फायरिंग पोस्ट ने, वो किसी और हमारी फायरिंग पोस्ट ने नहीं मारे। लेकिन जो ये वेपन उधर दिखाते हैं वो वेपन हमारी नहीं है, हम लाइट वेपन्स के साथ थे, अपनी ही वेपन खड़ी करके ये उसके साथ सुविनेर के तौर पर तस्वीर इन्होंने बनाई। डोलोलिंग कंपाउंड के अंदर लालक खड़ा था। लालक का खौफ इनके ऊपर अभी तक इतना है कि 53-53 वेकेंट है, इनकी जुरत नहीं होती कि ये वहां जाए। ये कहते हैं मारेगा वो हमें। लालक जान 3 दफा जख्मी हुआ ब्रूटली। मुझे 7 गोलियां इस कारगिल ऑपरेशन में, लेकिन हम उधर ही मेडिक से गोलियां निकलवाते थे, फर्स्ट एड लेते थे और फिर वापस हम महाज के ऊपर चले जाते थे, कोई पीछे फॉल बैक नहीं करते थे। इसी तरह लालक भी वहाँ 3 दफ़ा जब उसको ज़ख्मी हुआ, हमने उसको बोला कि अब आप जाओ पीछे, आप आओ। वो शेर आदमी था, NLI का मारखोर, वो पीछे नहीं हटता था। वो कहता था साहब आप जाओ, मैं बैठा हूँ इधर। उसने अपने इर्द गिर्द लाश में लैंड माइंस बिछाई। ये जब उधर पहुँच भी गए और लालक शहीद भी हो गया तो उसने फिर भी इनके 10-15 बंदे मार दिए। यानी आप सोचें कि शहीद होने के बावजूद उसने इनके 10-15 और फौजी मुर्दार किए। चंद दिन के बाद हमें NLI वालों ने रिक्वेस्ट किया उनके कमांडिंग ऑफिसर ने कि लालक को वापस लेके आना है, जो हम खुद भी जाना चाह रहे थे। हम वहाँ पहुँचे तो इनके तकरीबन 27-28 लोग वहाँ मौजूद थे। अल्हम्दुलिल्लाह तब भी हमने उन 27 में से कोई 20-22 को तो उनके बाकी साथियों के पास पहुँचाया। जो उनका ऑफिसर और वो बचा, उन्होंने उधर से ऊपर से नीचे छलांग लगा दी। बाद में पता चला कि उनमें से 1-2 ऑफिसर बच गए इनके, जिन्होंने बाद में जाके जनरल जोशी को बताया कि उसने घोस्ट को देखा है।
अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी और आज भी पाकिस्तान आर्मी का हर सोल्जर, हर मुजाहिद शेर खान है, हर मुजाहिद लालक जान है और हर मुजाहिद गोस्ट ऑफ कारगिल है। इसी वजह से 22 साल गुजरने के बावजूद ये इस ट्रॉमा से कभी निकल नहीं सके और ना ही ये निकल सकते हैं, क्योंकि जो खौफ अल्लाह ताला ने इनके दिल के अंदर कारगिल वॉर में पाकिस्तान आर्मी के थ्रू डाला है, उस खौफ से इनके अभी भी रोंगटे खड़े होते हैं।